तो गाएगी, तो ये एक तरह से सतना का भी गाना हुआ। तो बहुत सारे अवध के गाने जो हमारे इलाहाबाद में गाए जाते हैं, बांदा में गाए जाते हैं, वो रीवा में भी गाए जाते हैं। तो यहाँ बघेली और अवधी में तो बहुत, बुंदेलखंडी और अवधी में उतना साम्य नहीं मिलता जितना बघेली और अवधी में मिलता है, क्योंकि इलाहाबाद प्रयाग से तो ये समझिए शुरू हो गया एक ही है। बहुत सारे गानों में साम्यता, खासतौर पर राम के बहुत सारे जो सेहरे हैं, राम के बधाई है, राम के सोहर है, राम की जो बनना है, बहुत साम्यता मिलती है। और बहुत सारे विवाह संबंध हुए हम लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ कनौजियों में हमारे घर वालों में सब ये रीवाइवा बहुत ब्याह हुआ शादी। नई पीढ़ी को हम लोग क्या संदेश देंगे, आजकल नई पीढ़ी हम लोग को संदेश देती है। सब बहुत आजकल सयाने हैं, जानकार हैं, क्योंकि उनकी परवरिश ही ऐसे माहौल में हो रही है जहाँ उनको बहुत कुछ दिख रहा है, जो जानने में हम लोगों को एक उम्र लग गई, वो लोग आज आँख खोलते ही देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत जानकार हैं। बस मैं यही कहूंगी कि हमारी गुरु जी अप्पा जी गिरजा देवी जी एक कहा करती थी, वो थी धीरे 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 मना, धीरे ही सब होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आवे फल होए। माली अपना काम करता है, कौन से वृक्ष में फल निकलेगा ये तो उसको भी नहीं पता, वो काम अपना करता है क्योंकि धीरज रखता है। नई पीढ़ी को बस यही कहना है, धीरज रखें। यदि संगीत लेना है, जीवन में कुछ भी करना है, तो याद रखिए कि खीर है, हलवा है, धीमी आंच में ही पकता है। इंस्टेंट तो मैगी है, उससे पेट भी खराब होती है, सेहत भी। तो यदि विद्या लेनी है, वो किसी भी क्षेत्र की हो, वो तो मंद आंच में पकना चाहिए, सीखने की धीरज में, और वो लंबा रास्ता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं। युवाओं को यही बोलना है।